स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। गाड़ी जीप कंपास है और ये इस गाड़ी की इग्निशन की इस जगह सिस्टम में पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। आप सब देखोगे सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ गए हैं। 1,05,000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, जितना भी इसका सिस्टम है, क्लच पैडल, ये सिस्टम काफ़ी हार्ड हो गया है। क्लच पैडल को प्रेस करना है। फोर्थ गियर पे कभी भी गाड़ी चलनी नहीं चाहिए। ये आप सब देखो फोर्थ गियर में चल रही है गाड़ी। जितना भी सिस्टम है इसका, क्लच सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम डिफेक्ट हो गया है। आज की वीडियो में कंप्लीट हम क्लच सिस्टम को रिप्लेस करने वाले हैं। हैंड ब्रेक अप्लाई हो गया, आप सब देखोगे वार्निंग इंडिकेशन आ गया क्लस्टर मीटर में। हैंड ब्रेक का सिस्टम को ऑफ करना है। इस जगह इसका लीवर होता है जिसकी हेल्प से हम उसका हुड या बोनेट ओपन करते हैं। ये आप सब देखो उसका हुड या बोनेट ओपन कर लिया गया। इस जगह इसका लीवर होता है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनेट ओपन करते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट हम इसका क्लच सिस्टम को रिप्लेस करने वाले हैं। इस जगह से लेके इस जगह तक लेफ्ट साइड में जितना भी सिस्टम होता है इसका ट्रांसमिशन का होता है। धीरे धीरे हम सिस्टम को रिमूव करेंगे। आप सब देखोगे इस जगह इसके सिस्टम दिए गए हैं, गियर सिलेक्टिंग वायर्स, बैटरीज दिए गए हैं। कंप्लीट सिस्टम को रिमूव किया जाएगा। जितना भी सिस्टम है, चीजेस का, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन सिस्टम, टोटली कंप्लीट रिमूव किया जाएगा। जितना भी सिस्टम है, चेसी पे होल्ड है जितना भी सस्पेंशन सिस्टम, वो सिस्टम कंप्लीट रिमूव किया जाएगा। इस जगह इसका सिस्टम होता है ट्रांसमिशन का, फ्लाईव्हील और ट्रांसमिशन के बीच में वो सिस्टम लगा होता है इसका क्लच सिस्टम। क्लच सिस्टम, क्लच रिलीज बैरिंग, ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किए जाएंगे। कभी भी आप कोई भी सिस्टम रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई भी एडवांस गाड़ी हो, तो सबसे पहले आपको बैटरी के टर्मिनल्स को रिमूव करना चाहिए ताकि जितना भी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक हर सेंसर की सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाए, तब आपको किसी भी सिस्टम को रिप्लेस एंड टच करना है। अदरवाइज किसी भी सिस्टम को, इंजन कंपार्टमेंट के सिस्टम को टच नहीं करना है। सबसे पहले हम इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स को रिमूव करेंगे, फिर पॉजिटिव को करेंगे, फिर कंप्लीट बैटरी को रिमूव किया जाएगा। आप सब देखोगे इस जगह इसका सिस्टम है गियर सिलेक्टिंग वायर, ये सिस्टम रिमूव किया जाएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम रिमूव किया जाएगा। जैसे हम बैटरी सिस्टम को रिमूव करते हैं, बैटरी ट्रेस को रिमूव करते हैं, फिटिंग ईजिली व्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। मल्टी जेट 16 वाल्व 2.0 लीटर डीजल इंजन, गाड़ी है जीप कंपास। जितना भी सिस्टम है इसके, ड्राइव एक्सल्स, कंप्लीट सिस्टम को रिमूव किया जाएगा। जितना भी सिस्टम है चेसिस का, तब वो सिस्टम ईजिली रिमूव हो पाता है। इस गाड़ी का क्लच सिस्टम आप सब देखोगे मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसलिए इसमें क्लच सिस्टम दिया जाता है। अगर ऑटो ट्रांसमिशन होगा तो सिस्टम में भी टॉर्क कन्वर्टर का वो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। गाड़ी है जीप कंपास। करते हैं फिटिंग को धीरे धीरे रिमूव। सबसे पहले इसके टर्मिनल्स रिमूव करते हैं ताकि जितना भी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की, हर सेंसर की कनेक्शन, जितने भी सप्लाई है, टोटली सारे डिसकनेक्ट हो जाए, तब हम सिस्टम को टच करेंगे। शुरू करते हैं कंप्लीट सिस्टम को रिमूव करना। सबसे पहले गाड़ी को लिफ्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर उठाया जाएगा ताकि गाड़ी के नीचे इजीली हम जा सके। फ्रंट के दोनों टायर रिमूव किए जाएंगे, क्योंकि जितना भी सिस्टम होता है इसका, ड्राइव एक्सल्स, ये सिस्टम को रिमूव करना पड़ता है, तब जाके कंप्लीट क्लच सिस्टम रिमूव हो पाता है। जितने भी ड्राइव एक्सल हैं वो डायरेक्ट इसके कनेक्ट होते हैं ट्रांसमिशन के अंदर, लेफ्ट साइड और राइट साइड से। लेफ्ट साइड का एक्सल हमेशा छोटा होता है और राइट साइड का एक्सल हमेशा बड़ा होता है।
ये आप सब देखोगे इस जगह जितना भी सिस्टम था इसका, बैटरी का, ट्रीज, कवर, वो सिस्टम कंप्लीट रिमूव कर लिए गए। इस जगह इसके टर्मिनल्स हैं, वायरिंग्स हैं, ये सिस्टम को कंप्लीट साइड कर दिया गया। इस जगह आप सब देखोगे सिस्टम है इंजन माउंटिंग्स का, ट्रांसमिशन साइड माउंटिंग्स है। इस जगह इसके बोल्ट्स दिए गए हैं जो स्पेशल टूल की हेल्प से रिमूव किए जाएंगे। इस जगह इसके वायर्स दिए गए हैं, गियर सिलेक्टिंग वायर आप सब देखोगे, डबल इसके गियर सिलेक्टिंग वायर दिए जाते हैं। इस जगह इसका सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम आप सब देखो, क्योंकि जितना भी सिस्टम होता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर पे सिस्टम वर्क करता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिक क्लच और रिलीज बैरिंग दी जाती है इसके सिस्टम में। आप सब देखोगे इस जगह से कनेक्शन होता हुआ, इस जगह से रोटेट होता हुआ ये इस सिलेंडर में आएगा ट्रांसमिशन के अंदर, और सेंटर में एक क्लच रिलीज बैरिंग होगी जो कंप्लीट सिस्टम को एंगेज और डिसएंगेज करने में हेल्प करता है क्लच प्लेट को। अब धीरे धीरे सिस्टम को कंप्लीट रिमूव किया जा रहा है, और बाकी जितना भी सिस्टम है वो भी रिमूव किया जा रहा है, जितना भी सिस्टम है इसका चेसिस का, ये सिस्टम कंप्लीट रिमूव किया जाएगा, तब इसका कंप्लीट ट्रांसमिशन इजीली रिमूव हो पाएगा। आप सब देखोगे इस जगह इसके एक्सल्स हैं, ड्राइव एक्सल्स, दोनों साइड एक्सल्स दिए जाते हैं, ड्राइव एक्सल। इस जगह इसका सिस्टम है नकल्स है, लिंकेज है, इन सिस्टम को रिमूव करना पड़ता है ताकि जितना भी सिस्टम है चेसिस से वो सिस्टम अलग हो जाए, जितना भी सिस्टम है इसका चेजेस का वो कंप्लीट सिस्टम बॉडी से अलग कर दिया जाएगा। आप सब देखोगे इस जगह इसके लोअर आर्म्स हैं, लिंकेज है, ये जंपिंग रॉड है, टाई रॉड, एंड इस जगह इसका सिस्टम है स्टीयरिंग का, ये सिस्टम कंप्लीट डाउन होगा। इस जगह पूरा सिस्टम इसका ट्रांसमिशन का, जब सिस्टम रिमूव कर दिया जाएगा तो सेंटर में इसका क्लच सिस्टम होल्ड होता है इसका फ्लाईव्हील पे। इस जगह इसके फ्यूज दिए गए, आप सब देखोगे जितने भी फ्यूज़ दिए गए टोटली सारे पॉजिटिव टर्मिनल पे दिए गए हैं, जितना भी हैवी सिस्टम होता है उनके टोटली सारे इस जगह फ्यूज़ दिए गए। ये सिस्टम कंप्लीट कनेक्ट होगा इसके स्टार्टर मोटर पे। करते हैं सिस्टम को धीरे धीरे रिमूव। ये आप सब देखोगे सिस्टम को कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह इसका एसी सिस्टम है, इस सिस्टम को कंप्लीट रिमूव करना पड़ता है कभी भी आप सिस्टम को रिमूव करते हैं। ये आप सब देखो सिस्टम को कंप्लीट रिमूव कर लिया गया है इसका ट्रांसमिशन सिस्टम। इस जगह इसका क्लच सिस्टम है, ये पार्ट्स आप सब देखोगे इसका क्लच सिस्टम है, ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। इस जगह इसका क्लच रिलीज बैरिंग है जो कंप्लीट हाइड्रोलिक प्रेशर पे सिस्टम वर्क करता है। आप सब देखोगे ये पार्ट्स क्लच रिलीज बैरिंग क्लच सेट, ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किए जाएंगे। इस जगह इसका सिस्टम होता है फ्लाई व्हील का, आप सब देखोगे इस जगह कंप्लीट क्लच सिस्टम होल्ड होता है इसका फ्लाई व्हील पे। आप सब देखोगे इस पार्ट्स को भी रिप्लेस नहीं किया जाएगा कभी, खाली इसके क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट इन दो पार्ट्स को अभी रिप्लेस किया जाएगा। ये आप सब देखोगे इस जगह इसका ट्रांसमिशन है, इस सिस्टम को कम्प्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह इसका पार्ट्स है डिफेक्टिव पार्ट्स, इस पार्ट्स को कम्प्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। सिस्टम को रिमूव करते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
ये आप सब देखो सिस्टम को कंप्लीट फिट कर दिया गया, क्लच सिस्टम कंप्लीट फ्लाईव्हील पे होल्ड कर दिया गया, क्लच रिलीज वायरिंग, क्लच प्लेट ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किए गए, कंप्लीट क्लच सेट नया फिट कर दिया गया। आप सब देखोगे कंप्लीट फ्लाईव्हील पे कंप्लीट क्लच सिस्टम होल्ड कर दिया गया और इस जगह इसके डिफेक्टिव पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया गया है। इस जगह इसकी क्लच रिलीज वायरिंग आप सब देखो कंप्लीट सिस्टम कंप्लीट हाइड्रोलिक प्रेशर पे ये क्लच रिलीज वायरिंग वर्क करती है। अब जितनी फिटिंग है धीरे धीरे सारी फिटिंग को कंप्लीट फिट कर देंगे। इस जगह इसका सिस्टम था क्लच सिस्टम, वो सिस्टम्स का डिफेक्ट हो गया था, आज की वीडियो में हमने कंप्लीट उस सिस्टम को रिप्लेस किया है। अब फिटिंग जितनी है धीरे धीरे सारी कंप्लीट करते चलते, अभी इसकी पाइप भी लगाए जाएंगे हाइड्रोलिक लाइन्स की, फिर कंप्लीट सिस्टम में एयर ब्लीडिंग की जाएगी। इस जगह इसका क्लच सिस्टम होता है, जितना भी सिस्टम होता है जो वर्क करता है वो हाइड्रोलिक बेस पे वर्क करता है। इस जगह इसका सिस्टम देखा हाइड्रोलिक, सेंटर में इसके ट्रांसमिशन की हाइड्रोलिक क्लच बैरिंग दी जाती है, वो सिस्टम जब कभी भी आप रिप्लेस करते हो उस कंडीशन में कंप्लीट सिस्टम को एयर ब्लीडिंग करना पड़ता है। ये आप सब देखोगे इस जगह इसका डस्ट कैप लगा होता है इस तरीके का डस्ट कैप होता है। इस सिस्टम को कंप्लीट कैप को रिमूव करना पड़ता है ताकि डस्ट वगैरह अंदर सिस्टम को हिट या डिफेक्ट ना करे। इस जगह आप सब देखोगे ये सिस्टम है इसका लॉकिंग का, इस लॉकिंग सिस्टम को अंदर प्रेस करना है और इस सिस्टम को बाहर की तरफ खींचना है। इस लॉक सिस्टम को अंदर की तरफ प्रेस करना है और जो पाइप है इस पाइप को हल्का सा बाहर करना है, ज़्यादा नहीं पाइप बाहर ना है। ये आप सब देखो हल्का सा बाहर आ गया, इस तरीके से इस सिस्टम को छोड़ देना है और कंप्लीट जो सिस्टम है इसमें से एयर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप सब देखोगे इसमें से फ्यूल डाल रहा है, जब कंप्लीट सिस्टम में से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे मेन जितना भी सिस्टम है इसमें कंप्लीट एयर ब्लीडिंग हो जाएगी। अभी आप सब देखोगे इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गया सिस्टम में से और कंप्लीट सिस्टम को चेक करते रहना है, इसके ब्रेक फ्यूल को रिजर्व बोतल को, इसमें फ्यूल कम नहीं होना चाहिए नहीं तो एयर बबल ज़्यादा आ जाएंगे, फिर कंप्लीट लाइन में एयर ब्लीडिंग करनी पड़ेगी इसके ब्रेकिंग सिस्टम में और हाइड्रोलिक जितने भी सिस्टम है टोटली सब सिस्टम में एयर ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। जब कंप्लीट सिस्टम में बबल्स आना बंद हो जाए तो कंप्लीट सिस्टम को प्रेस कर देना अंदर की तरफ, पुश कर देना इस पाइप्स को, जितना भी सिस्टम है वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद इसमें से एयर बबल्स रिमूव नहीं होगी। अभी इसमें कोई भी बबल्स नहीं आ रहे हैं, जितना भी सिस्टम है वो एयर ब्लीडिंग हो गया है। इस पाइप को अंदर की तरफ पुश करना है, ये आप सब देखोगे सिस्टम पुश हो गया और लॉक हो गया, अब ये बाहर की तरफ नहीं आएगा ना ही पाइप रिमूव हो पाएगा, कंप्लीट सिस्टम लॉक। इस तरीके से हम इसकी एयर ब्लीडिंग करते हैं, कंप्लीट सिस्टम एयर ब्लीड हो जाए तो कंप्लीट डस्ट कैप को फिट कर देना है इसकी पोजीशन पे। आप सब देखोगे आप जितना डस्ट वगैरह इस सिस्टम के अंदर इंटरनल पार्ट्स को हिट नहीं करेगा। The next day. कंप्लीट रिप्लेस कर दिया गया क्लच सिस्टम का हैंड ब्रेक है, टोनिक हैंड ब्रेक है, ब्रेक पैडल को प्रेस करना है और बटन को नीचे की तरफ पुश करना है। आप सब देखोगे हैंड ब्रेक रिमूव हो गया। ये आप सब देखोगे क्लच का काम फाइनली कंप्लीट हो गया, अब टेस्ट ड्राइव की जा रही गाड़ी, हर गियर में गाड़ी को शिफ्ट करके चेक करेंगे इसी गियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फोर्थ गियर है, थर्ड, सेकंड,
गाड़ी खुद बोलती है कि थर्ड गियर शिफ्ट करो, बस पंजे दबा रहे हैं। ये आप सब देखोगे सिस्टम को कंप्लीट रिप्लेस कर दिया गया, कंप्लीट टेस्ट ड्राइव हो गई, वॉशिंग का काम कंप्लीट हो गया। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, जितना भी सिस्टम था, इसका क्लच पैडल, ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और आज की वीडियो में कंप्लीट हमने क्लच सिस्टम, क्लच रिलीज, बैरिंग और भी पार्ट्स रिप्लेस किए हैं। गाड़ी है जीप कंपास। ये थी जीप कंपास। इस गाड़ी में पहले जो प्रॉब्लम थी, जितना भी सिस्टम था, इसका क्लच पैडल, ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था। अभी आप सब देखोगे सिस्टम इजीली प्रेस होगा, बिल्कुल फ्री हो गया ये। पहले सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। अगर ज़्यादा और हार्ड होता तो जितना भी सिस्टम है इसका, हाइड्रोलिक सिस्टम, वो सिस्टम ब्लास्ट भी हो सकता था, क्रैक भी हो जाता है ज़्यादा सिस्टम हार्ड होने की वजह से भी। क्योंकि जितना भी सिस्टम होता, ज़्यादातर फाइबर बॉडी होती है, जब ज़्यादा हार्ड हो जाएगा सिस्टम तो उस सिस्टम पर ज़्यादा लोड पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम क्रैक हो जाता है। जितना भी फ्लूड्स है कंप्लीट बाहर आ जाएगा, क्लच पैडल बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, क्लच हार्ड की प्रॉब्लम को। ये बिल्कुल फ्री हो गया, पहले इतना सिस्टम हार्ड था, प्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा लैग्स में पेन होने लगता था जब हम पैडल को प्रेस एंड डी प्रेस करते थे, कभी भी गियर शिफ्ट करते थे, इतना हार्ड था ये सिस्टम। वो सिस्टम बिल्कुल फ्री हो गया है। गाड़ी है जीप कंपास।